प्रथम तहलका न्यूज और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि गुरुग्राम में बदमाश जो है वो लगातार आए दिन नई नई घटनाओं को अंजाम देते नजर आते हैं। वहीं इस कड़ी में शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि दोनों हाथों में पिस्टल लेकर लगभग एक दर्जन गोलियां चलाई गई। आपको बता दें कि फिल्मी हीरो की तरह चारों तरफ घूमकर यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें कैद हुई है। और तीन दिन पहले भी शराब व्यापारी के घर पर फायरिंग हुई थी और इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि IMT मानेसर इलाके में ये शराब की दुकान है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगातार बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं और वो आए दिन नई नई घटनाओं को अंजाम देते नजर आते हैं। दरअसल उन्हें ना तो पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही कोई और खौफ है। आपको बता दें कि फिल्मी हीरो की तरह चारों तरफ घूमकर यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और अभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो गुरुग्राम से आ रही है। सर, 8:30 बजे चार युवक आए, दोनों हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने पूछा मालिक का नाम कि बलबीर सिंह यहाँ हैं या नहीं हैं, तो मैंने कहा अभी तो नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दोनों हाथों से पिस्टल चलाना शुरू कर दिया। हम अपनी जान बड़ा मुश्किल में बचा के यहाँ से भागे। कितने लोग आए थे, किस चीज़ पर आए थे गुरु? वो दो बाइक पे थे। अच्छा। चार लोग थे, एक लोग तो ठेका पे आए और तीन लोग बाहर थे, बाहर खड़े। कैमरे में भी सारा रिकॉर्ड हुआ है? कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो अच्छा, ये पहचान पाया उसको कि कौन था वो शख्स जिसने गोली चलाई या जो बाइक पे आए थे, वो लोग कौन थे? सर ये तो नहीं पता, वो मास्क लगाए हुए थे। अच्छा। किसी को गोली वोली तो नहीं लगी? नहीं, किसी को गोली नहीं लगी।